हाँ बोल रहा था बबलू सर जी। एक आदमी मतलब हम सितंबर मतलब वो काम किया था सितंबर उधर। अपना नाम पता पहले बताइए ना। नाम मेरा हो गया जितेंद्र। घर? झारखंड। जिला? बोकारो। हाँ जी बताइए। मतलब हम पूरा जनवरी में इसके पास आए थे ठीक जी। जून तक दिया पैसा? जून तक मतलब जून तक पैसा दिया ठीक है ठीक जी। अब जुलाई अगस्त दो महीना का पैसे नहीं दिया, बोला कि बाद में देंगे। दो महीना का पैसा नहीं दिया। कितना पेमेंट कितना दे रहा था? 20,000। 20,000। कितना महीना काम में किए थे इसके पास टोटल? जनवरी में गए थे, सितंबर अगस्त तक पूरा गया था। अगस्त तो 8 महीना हुआ। हाँ तो 8 महीना काम किए थे। हाँ मतलब 16-17 जनवरी को गए थे उसके पास। हाँ मतलब 45-46 हज़ार रुपया नहीं दिया। 45-46 हज़ार रुपया नहीं दिया। हाँ आप लोग हिसाब नहीं करते हैं कि इतना पैसा दिया है कि इतना पैसा नहीं दिया है? नहीं नहीं तो उस समय उसको बोला कि बाद में देंगे। नहीं तो हिसाब करना चाहिए कि भैया इतना पैसा मेरा निकल रहा है, इतना पैसा नहीं निकल रहा है। हाँ। इतना पैसा आप दे दिए हैं, आप इसी तरह बोलिएगा 45,000, कोई 46,000, 50,000 तो नहीं होगा ना। एक हिसाब रहना चाहिए ना। नहीं तो उधर से वो जितना दिया सब हिसाब है ना। ठीक तो अभी क्या बोल रहे हैं मालिक आपका? फोन रिसीव नहीं करा, दूसरा नंबर फोन कर रहे हैं तो बोलता है बाद में बात करते हैं। फोन ही रिसीव नहीं कर रहा है? नहीं मेरा नंबर फोन रिसीव नहीं कर रहा। ठीक है उसका नंबर हम डाल लेते हैं फेसबुक पर, कैसा फोन रिसीव नहीं कर रहा है, देखते हैं कितना कितना ऑपरेटर का नंबर फोन रिसीव नहीं कर रहा है। हम नंबर दे दे रहे हैं अभी। नंबर तो दे दीजिएगा ठीक है। आईडी कार्ड आपका है कि नहीं ऑपरेटर एक तरह फाउंडेशन का? वो तो लिंक नहीं खुल रहा है ना, नहीं निकाले बनाए भैया। आप लोग पेमेंट फंसता है, आप लोग क्या करते हैं, आप कहाँ सोए रहते हैं आप लोग? आईडी कार्ड बनवा लीजिए ना आप लोग, आप ही लोग के हित के लिए बना है ना संस्था ऑपरेटर एकता सहायता फाउंडेशन। बात तो सही है। आप लोग क्यों इतना पीछे हटते हैं? जब आप लोग का पेमेंट फंसता है तभी सोचते हैं भैया आईडी कार्ड बनवाएं, उससे पहले क्यों नहीं बनवा लेते हैं? ये तो देखिए हमारे बात का गुस्सा मत लीजिएगा। बोलिए। मेन पॉइंट हो जा रहा है, हर ऑपरेटर को हम बोलते हैं लाइव में आके बोलते हैं कि भैया आप आईडी कार्ड इस तरह बनवा लीजिए, आप अपना एक फोटो भेजिए, आधार कार्ड भेजिए, 500 रुपये इसमें जो डोनेशन लग रहा है डोनेशन जमा करिए। मान लीजिए आज आपके मालिक के ऊपर हम केस करने जाए तो कितना खर्चा होगा? फ्री में केस हो जाता है? नहीं। कोर्ट कचहरी जाने में खर्चा लगेगा? ये वो जीरक कराने जाइएगा तो 2 रुपये लगेगा। अभी आपका 46,000 रुपये पेमेंट फंसा है, आईडी कार्ड नहीं है तो ये तो अलग से खर्चा करना पड़ेगा आपको। ये तो अलग से खर्चा करना पड़ेगा ना, कि आप संस्था से जुड़े नहीं है। हम हर वीडियो में बताए हैं कि भैया आईडी कार्ड बनवाने के बाद अगर आपका पेमेंट फंस रहा है तो भैया आपका संस्था हेल्प करेगी, उससे पहले फंसा है तो भैया जो भी आपका फंसा है उसका खर्च लगेगा। कितना लगेगा? कितना लगेगा भैया आप वो तो एडवोकेट से बात करना पड़ेगा ना। आपका 45,000 रुपये पेमेंट फंसा है तो कम से कम आपको वहाँ तो लग जाएगा, हमको 5-6 हज़ार रुपया लग ही जाएगा पेमेंट निकलवाने के लिए। एडवोकेट तो फ्री में काम नहीं ना करेगा, मेरा घर का तो नहीं है ना आपका घर का है। हाँ आप कहीं पर भी आपका जिला जाइए, बोकारो जिला में बात ये मुद्दा को उठाइए और वहाँ पर बात करिए भैया मेरा पेमेंट फंसा है इस जगह हैदराबाद में या कर्नाटका में पेमेंट फंसा है, क्या करना पड़ेगा, कैसा निकलेगा, पूछिए कितना खर्चा लगेगा। अब यहाँ से केस करने से तो होगा नहीं, आपको तो केस करना पड़ेगा जहाँ पर आप आपका पेमेंट फंसा है। कौन सा जिला में फंसा है, कौन सा जगह? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन सा जिला? सतारा। हाँ सतारा, तो भाई वहीं पर केस करना पड़ेगा सतारा में। यहाँ से तो आदमी नोटिस भेज सकता है ना, लेकिन हाँ। केस लड़ने के लिए तो भैया वहां पर जाना पड़ेगा सतारा जिला में। सपोज यहाँ से जाने का आने का खर्च तो लगता है ना जी। हाँ फिर मान लीजिए यहाँ से एडवोकेट अगर जाएगा तो भी डबल खर्चा हो जाएगा।
आप लोग समझिए, एक दूसरे को बताइए, आपका पेमेंट जो फंसा है वो निकलेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है, 1 तारीख तक आपको वेट करना पड़ेगा। जब इतना दिन इंतजार कर लिए ना,